जय हिंद। आज हम लोग 385 कोविड केसेस के बीच में हैं। उधमपुर आज 385 कोविड केसेस टच कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन जो है वो उधमपुर में अच्छी तरह से फैल चुकी है। दो डेथ्स कोविड थर्ड वेव में हम देख चुके हैं। वैक्सीनेशन, मास्किंग, क्राउड मैनेजमेंट सब करके देखना पड़ेगा। इकट्ठा हमें वैक्सीनेशन बूस्टर डोजेस लगवानी है। 15 से 18 साल के बच्चों का डोज लगना चाहिए। हमें मास्क चेहरे पर पहनना चाहिए। दोहरा मास्क पहनने का टाइम आ गया। दो दो मास्क पहन लीजिए। हम लोगों को क्राउड्स नहीं करने, मेटाडोर्स में, बसेस में, दुकानों में नहीं करने। ये मैक्सिमम जंप है जो उधमपुर ने अभी तक देखा। 136 केसेस एक दिन में आना बहुत खतरे की बात है। अगर 136 केस एक दिन में आ सकते हैं और हम लोगों ने इसी तरीके से भीड़ करी, तो ये नंबर डबल और तीन गुना होने में देर नहीं लगेगी। पिछले 4 दिनों में हम लोग एक एक सौ, डेढ़ डेढ़ सौ केसेस जो हैं वो टच करने की कगार पर आ चुके हैं। बहुत सारा टूरिस्ट हमने पत्नीटॉप में कोशिश करी है कंटेन करने की। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक महीना टूरिज्म के लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, प्लीज ऐसी जगहों में मत जाइए जहां पर भीड़ है। क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा की है अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब एक सूचना जो है, मैं एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप लोगों को देना चाहती हूं। सूचना यह है कि सैटरडे और संडे नॉन असेंशियल मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी ये दरखास्त है, बड़ी विनम्र विनती है कि शनिवार और रविवार को अगर आपको लगता है कि आपके आगे पीछे ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि घर से निकलना जरूरी है, मत निकलिए। ये अपने आप पे कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि शनिवार और रविवार को घर में रहिए। कोशिश करिए अपने आप पर ये कर्फ्यू लगाइए। हम लोग पीक पर हैं इस समय और ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी डबल हो जाती है। तीसरे वेव में ये देखा गया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, दोहरा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, हाथ धोना और क्राउड से दूर रहना शुरू कर दीजिए। हम लोग सेफ रहेंगे, परिवार वाले सेफ रहेंगे, तभी आगे के दिन हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। जय हिंद।